कराची के इलाके खेमाड़ी में जहरीली गैस 14 जाने ले गई, 300 से ज्यादा अफराद मुतासर। मुतासरीन के खून के नमूनों में सोयाबीन धूल का इंकशाफ। जामे कराची के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट कमिश्नर को भेज दी। वफाकी वज़ीर बराए समुंदरी अमूर अली जैदी और वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। सोयाबीन लाने वाले जहाज को पोर्ट कासिम शिफ्ट और ऑफलोड करने का फैसला। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का 4000 तारीखी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें की। करतारपुर लाहौर के तारीखी मकामात का दौरा किया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। रवानगी से पहले ट्वीट में कहा कि लाहौर की सकाफत से बहुत महजूज हुआ। हुकूमत के खिलाफ मार्च में तहरीक की तैयारियां। बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर जयालों का जोश खरोश दीतनी, फूल निछावर किए। फिजा जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठी। क्या लीगी रहनुमाओं के सितारे फिर गर्दिश में आ गए। अमीर मकाम और राना सनाउल्ला को नैब का बुलावा आ गया। राना सनाउल्ला को आज जायदादों की तफसीलात लाने की हिदायत। अमीर मकाम असासजात केस में 24 फरवरी को तलब। गले में पड़ा ऑरेंज ट्रेन का ढोल कौन बचाए। ऑरेंज ट्रेन के किराए ने पंजाब हुकूमत को चकरा कर रख दिया। पंजाब काबीना ने किराया तय करने और ट्रेन चलाने पर हाथ खड़े कर दिए। प्रोजेक्ट शुरू भी किया तो क्रेडिट नून लीग को जाएगा। काबीना के एक रुकन का मौकिफ। कराची के इलाके केमाड़ी में जहरीली गैस से अमवात का मामला। 300 से जायद अफराद मुतासर हुए, जबकि तर्जुमान महकमा सेहत सिंध ने 14 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी है। जामे कराची की तहकीकती रिपोर्ट में सोयाबीन डस्ट का इंकशाफ हुआ है। तहकीकात में मजीद क्या अपडेट्स हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रजा से। अली बताएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखें ये अफसोसनाक वाकया है जहाँ पर एक ही मुकाम पर ये मुतासिर हुए हैं। जो जहरीली गैस है उससे 14 अमवात जो है वो हो चुकी हैं। हमने देखा कि कल एहतजाज भी हुआ, तहम अब तक जो है मुबैन तौर पे कोई भी चीज़ ऐसी मुस्तनद वाज नहीं हो पा रही है कि आया ये क्या है, क्योंकि एक इदारा कह रहा है कि केमिकल और तेल का मसला है, तो दूसरा जामे कराची की रिपोर्ट के मुताबिक सोयाबीन डस्ट की भी बात बताई जा रही है। मगर दूसरी जानब एक बहुत बड़ा इदारा है जो मुतासर हो रहा है, मगर वहाँ से लोगों को निकाला या उनकी जगह तब्दील नहीं की जा रही है, और जिससे जो डॉक्टर्स हैं और माहरीन हैं वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा जो हलाकतें जो हैं वो हो सकती हैं, जिसके बायस जो है एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए। ताहम हमने ये देखा कि कल जो है वो पुलिस और रेंजर्स की तरफ से मास्क जो है वो दिए गए, जबकि दूसरी जानब जो ईदी जरा है वो ईदी जो है उन्होंने बात की साथ ईदी ने उन्होंने कहा कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो है 9 लोग जो है वो जाबाक हुए। अब ये मसला है क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सांस लेने जो मरीज़ भी हैं पहले से, और उनकी वजह से भी जो है उनकी इंतकाल हो रहे हैं, मगर उसका डाटा जो है वो सामने आ रहा है। ताहम अब तक जो है जो रिपोर्ट्स हैं वो जब वाजे हो सकेगा, जब रिपोर्ट्स आएंगी और उसके बाद ही ये मुमकिन बन सकेगा कि इसको रोका किस तरह जाए, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू किस तरह किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया।